सोमवार भाग्यनगर में दोबारा दोहराया जाएगा। केटीआर हिंदू मुखालिफ मजाहिया निगारों को शहर में परफॉर्म करने की दावत देकर भाग्यनगर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर के इस मुखालिफ समाजी कारकुन को शहर में इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुनव्वर फारूकी के शो के ख़िलाफ़ बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने कई बार इंतबाह दिया कि अगर मुनव्वर फारूकी का शो होगा तो इसके संगीन नतायज होंगे, इसलिए राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात को लेकर बीजेपी कारकुन ने इस शो के होने पर अगर कुछ होता है और मुनव्वर फारूकी कुछ कहता है तो बीजेपी युवा मोर्चा एक बड़ा एहतजाज करेगी। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना पुलिस को मुतनावा किया कि इसके संगीन नतायज होंगे। इन्होंने कांग्रेस लीडर फिरोज खान पर बरहमी जाहिर करते हुए उन्हें भी आड़े हाथों लिया। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल तेलंगाना के डीजीपी और तेलंगाना की सरकार से हमने निवेदन किया था कि मुनव्वर फारूकी नाम का एक शख्स जो कि एक कॉमेडियन है, कल हैदराबाद में आकर वो कॉमेडियन का शो करने वाला है। तो हमने डीजीपी साहब से हो तमाम पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट की है कि मुनव्वर फारूकी हैदराबाद में शो ना करे, लेकिन अब तक ना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ जवाब आया, ना सरकार की तरफ से कुछ जवाब आया कि इस शो को हम रोक रहे। कल अगर ये शो होता है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ी तादाद में आकर उस शो को रोकने का काम करेंगे। मुनव्वर फारूकी जैसे कुत्ते जो कि हिंदू धर्म को इस तरह की बात करेंगे तो उसके बाप को भी नंगा करेंगे और उसको भी नंगा कर हम ये जवाब देंगे। और साथ ही साथ फेरोज खान जिसने कहा है कि मुनव्वर फारूकी शो करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे फेरोज खान क्या तेरे बाबा से पूछ के हिंदू को जब बात कर रहा था, जब तेरे बाबा से पूछ के वो शो कर रहा था क्या, जो हैदराबाद में आए तो तू उसको शो कर बोलने वाला, तू कौन होता कि ये शो कर बोल के बोलने वाला, जब तेरे मजहब के बारे में बोले तो तू सुन लेता क्या, अरे हमारे हिंदू के बारे में बोला रे दीवाने, तेरे मुंह फेरोज खान को भी समझा रहे कि हिंदू के बारे में इस तरह के लोग अगर आके जवाब देंगे तो हम फेरोज खान को भी नंगा कर हम बताएंगे कि फेरोज खान की औकात क्या है। हम ये चाहते हैं कि हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर शांति से रहे और हिंदू मुसलमान अच्छे रहे। अगर कल को कुछ भी अगर उस शो के दौरान होता है, कुछ भी वायलेंस होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे पुलिस डिपार्टमेंट और तेलंगाना की सरकार को हम चुनौती देते हैं। जय हिंद।